गुड आफ्टरनून बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका जरा। अच्छा देखो, अभी लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज किंगडम प्रोटेस्टा, और किंगडम प्रोटेस्टा में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। बेटा क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटेस्टा में टोटल आपके पास तीन ग्रुप्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहला ग्रुप जो आपने इसमें पढ़ा था दैट वाज फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा, जिसको कॉमनली नाम दिया जाता है एल्गल प्रोटेस्टा। सेकेंड हमारे पास था कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, विच आर कॉमनली कॉल्ड द फंगल प्रोटिस्टा। एंड थर्ड वाज द प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, विच आर कॉमनली नोन एज द एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। यहाँ पर जो हमने पहला ग्रुप अभी स्टार्ट करा था दैट वाज एक्चुअली द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, क्लियर। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में टोटल मैंने आपको बताया था कि तीन फाइलम्स या डिविजन्स हैं जो आप लोग सेपरेटली डील करोगे। उसमें से जो दो हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, जिसमें एक डाइनोफ्लैजेलेट्स थे, ठीक है, और एक आपके पास था क्राइसोफाइटा, जिसमें के डायटम्स एंड डेजमेट्स थे। सबके कैरेक्टर्स आपने कर लिए हैं। अब जरा आ जाते हैं आपके थर्ड फाइला के ऊपर, जिसका नाम है युगलिनोइड्स, और इट इज कॉल्ड युगलिनोफाइटा, क्लियर। तो नाम से बेटा बहुत हद तक क्लियर है। इसका जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, जो कॉमन मेंबर है इसका, दैट इज युगलिना। अब इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर, अगर आपको बेटा सीक्वेंस याद हो तो सबसे पहले आप जिस कैरेक्टर की बात करते हो दैट इज द हैबिटेट, मतलब ऑर्गेनिज्म आपको मिलता कहाँ पर है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आपको फ्रेश वाटर मिलते हैं, और उसमें से भी ज्यादातर आपको मिलते हैं स्टेग्नेंट वाटर में। स्टेग्नेंट वाटर होता है जो रुका या खड़ा पानी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बेटा यूनिसेल्युलर बॉडी है, ऑब्वियसली एक ही सेल की बनी है, बिकॉज आप प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो। और सेल जो होगा दैट विल बी कवर्ड बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉमनली नोन एज व्हाट, पैली सेल। सो नाउ यू कैन सी कि जब आपने डाइनोफ्लैजेलेट पढ़े थे तो उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल थी, ठीक है, जो बहुत हार्ड थी। फिर जब आपने डायटम्स पढ़ा, क्राइसोफाइटा पढ़ा, तो उसमें जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी थी, अगेन वेरी मच हार्ड। नाउ यू कैन सी कि व्हेन यू आर डीलिंग विद युग्लिनॉइड बेटा, तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल के ऊपर एक अलग से मेम्ब्रेन है व्हिच इज प्रोटीन रिच एंड इट इज फ्लेक्सिबल, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, पैली सेल। क्लियर, कंपैरेटिव याद करो तभी थोड़ा याद रहेगा। फिर आती है बात बेटा लोकोमोशन की, ठीक है। अब देखो लोकोमोशन में बाईफ्लैजेलेट है, तो मतलब दो फ्लैजेला होंगे। फिर मैंने बोला हिट्रोकॉन्ड, अब हिट्रोकॉन्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, मतलब डिससिमिलर साइज के फ्लैजेला। तो विच काइंड ऑफ द लोकोमोशंस दे हैव, फ्लैजेलर लोकोमोशन, क्लियर। फ्लैजेलर लोकोमोशन के अलावा जो युग्लिनॉइड्स हैं एक और फिनोमिना वो शो करते हैं, उस फिनोमिना को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है मेटाबॉली। मेटाबॉली बेसिकली है क्या, युग्लिना के केस में जो बॉडी है बेसिकली वो एक ही सेल की बनी है, लेकिन उस एक सेल में बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज मसल फाइबर्स आर कॉमनली नोन एज द मायोनीज। सो विद द हेल्प ऑफ दीज मसल फाइबर द होल बॉडी अंडर गो कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि बॉडी में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और उस टाइम पे फ्लैजेला का मूव करना जरूरी नहीं है, बिकॉज विदाउट फ्लैजेला इवन कैन द ऑर्गेनिज्म शोज द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होल बॉडी, एंड दैट विल बी असिस्टेड बाय द मसल फाइबर विच आर कॉल्ड मायोनीज। सो दिस काइंड ऑफ द मूवमेंट विच इज बेसिकली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द होल बॉडी इज कॉमनली नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। देन अगर आप यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करो बेटा, तो जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसका मतलब है सॉल्ट एंड वाटर का कंटेंट रेगुलेट करना, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सो इट इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। फिर अगर न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो देखो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉपिक वर्ड आता है, तो मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, यानी कि दो तरह का, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक है, बिकॉज इट हैज द पिगमेंट, and these pigment are exactly similar to the green plant because it contain chlorophyll A and B pigment. अभी तक अगर आपको याद हो तो जो लास्ट हमने दो ग्रुप पढ़े हैं बेटा, डाइनोफ्लैजेलेट एंड डायटम्स, उसमें क्लोरोफिल ए तो होता है लेकिन उसके साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। सिर्फ युग्लिना के केस में सी की जगह क्या आ जाता है, बी पिगमेंट, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। देन उसके बाद अगर बात करी जाए एब्सेंस ऑफ सनलाइट की, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट या क्लाउडी डे है जिस टाइम पे प्रॉपर सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, तो उस टाइम पे इट बिकम्स सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर। सो इट इज हैविंग
dual mode of nutrition. So the type of the nutrition is known as what? Mixotropic nutrition. So this term is little important. इसको जरा ध्यान से याद कर लेना. उसके बाद बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आता है आई स्पॉट. आई स्पॉट में पहले बता चुके थे सेंसिटिव टुवर्ड्स अ लाइट. क्लियर. अब आई स्पॉट हमने डाइनोफ्लैजेलेट भी पढ़ा था, आई स्पॉट क्राइसोफाइटा में भी था, आई स्पॉट यूमिनोइड्स में भी है. लेकिन इनके आई स्पॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका जो आई स्पॉट है बेटा वो रेड कलर का है. बिकॉज आई स्पॉट कंटेन अ पिगमेंट एंड दैट पिगमेंट इज नोन एस्टाजेंथिन पिगमेंट, जिसकी वजह से पर्टिकुलर युगलीना के केस में आई स्पॉट रेड कलर का नजर आता है एंड इट इज ऑब्वियसली सेंसिटिव टू द लाइट. अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें बेटा तो स्टोर्ड फूड में देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक फीचर आप लोगों को बताया जाता है फॉर मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू, पैरामाइलॉन. पैरामाइलॉन जो है वो स्टोर्ड फूड का नाम है. पैरामाइलॉन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी पर्टिकुलर पूछा गया इट इज लाइक अ स्टार्च. ठीक है. और इसको स्टोर किया जाता है राउंड बॉडीज में. उन बॉडीज को यहाँ पर नाम दिया जाता है पैरामाइलियम बॉडीज. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना कि दे हैव ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल. तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होगा? द ग्रेन्यूल विच कंटेन ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल. ठीक है. तो सेम वे में युगलीना के केस में दे कंटेन पैरामाइलियम बॉडीज एंड दीज बॉडीज कंटेन व्हाट? पैरामाइलॉन. एंड व्हाट इज पैरामाइलॉन? इट इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ युगलीनाइड्स. उसके बाद बेटा अगर न्यूक्लियस की बात करी जाए तो ऑब्वियसली यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है. ठीक है. सिंगल एक ही न्यूक्लियस होगा. रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो रिप्रोडक्शन में दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एक तो पहला युगलीना के केस में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ एसेक्सुअल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युगलीना के केस में एब्सेंट है. और अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बेटा उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा. एंड विच काइंड ऑफ द बाइनरी फ्यूजन? इट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन. ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ क्या होगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है. एंड वन मोर थिंग जो हमें युगलीना के केस में देखने को मिलता है वो ये कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म के आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, लाइक प्रेडेटर आ गए, खाना नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. ठीक है. मतलब ऐसे कंडीशन जिनमें नॉर्मली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो उन कंडीशंस में युगलीना जो होते हैं दे बिकम क्लस्टर्ड, दे टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनी. बहुत सारे युगलीना दे बिकम क्लस्टर्ड और उनके अराउंड एक कॉमन कवरिंग बन जाती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो इस स्टेज को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है पाल्मेला स्टेज. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेज? पाल्मेला स्टेज. सो पाल्मेला स्टेज इज व्हाट? इट इज एक्चुअली फॉर्मड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इन विच नंबर ऑफ युगलीना दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कॉमन कवरिंग अराउंड देमसेल्फ जो उनको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन. सो ओवरऑल जो वो लगेगा इट गिवन द नेम दैट इज नोन एज द पाल्मेला स्टेज. तो अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात हम सेम करें बेटा तो मैंने अभी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन आपको बताया. नाउ यू कैन लुक एट द डायग्राम. तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में ये पैरेंट बॉडी है, पैरेंट युगलीना है. तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बॉडी का, इस एक्सिस में होता है फ्यूजन, यानी कि ये टूटेगा. तो उसके लिए सेम टाइम पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है. ठीक है. इवन देयर इज द डिवीजन ऑफ द फ्लैजेला. So there can be the longitudinal binary fission and it result into the formation of two daughter euglena, or you can say two daughter cell. So this kind of the division which is occurring along the longitudinal axis of the body is known as what? Longitudinal binary fission. अब इसमें अगर बेटा diagrammatic presentation की बात करी जाए euglena के केस में, बेटा उस point पे आ रहे हैं. I'm coming to that point. Just wait. युगलीना के केस में अगर बेटा बात करी जाए तो व्हेन यू लुक एट द होल डायग्राम तो इसमें सारा अरेंजमेंट आपको बहुत क्लियर कट आ जाएगा. लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो थ्योरी में कवर नहीं हुए हैं. एंड मोर ओवर बेटा युगलीना का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना जरूर है लेकिन वहां पर उसको लेबल नहीं किया गया. तो जो आपके एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं. कुछ पार्ट्स लेबल करने के लिए आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स का फंक्शन पूछ लिया जाता है. तो ये डायग्राम जरा ध्यान से एक बार आप देख लो. सबसे पहले तो देखो प्रॉपर एक वेल डेवलप न्यूक्लियस है सेंटर में. इट इज वेरी क्लियर. ठीक है.
जो इसका साइटोप्लाज्म है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाहर वाला पार्ट मतलब जो पेरिफेरल रीजन है उसको एक्टोप्लाज्म बोला जाता है, और जो बेटा अंदर वाला पार्ट है इसका दैट इज कॉमनली नोन एज एंडोप्लाज्म। क्लियर? मायोनीम्स आपको बहुत क्लियर नजर आएंगे, जो ये आपको देख रहे हैं ऑब्लीक से स्ट्रैंड बने हुए हैं मसल फाइबर के, इनको मायोनीम्स बोला जाता है, जिसकी वजह से इट कैन शो मेटाबॉलिक। पहली सेल है बेटा आउटर प्रोटीन की लेयर है विच इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट है विच कंटेन द पिगमेंट्स, ये जो लॉन्ग आपको नजर आ रहे हैं ना दीज आर बेसिकली द क्लोरोप्लास्ट। पैरामाइलियन ग्रेन्यूल्स हैं आपके पास बेटा, पैरामाइलियन ग्रेन्यूल्स का क्या काम होगा बताया था मैंने, इट स्टोर द फूड मटेरियल विच इज कॉल्ड पैरामाइलॉन, जिसके अंदर ये छोटी छोटी आपको नजर आ रही है ना राउंडेड बॉडीज। देन उसके बाद इधर की तरफ आ जाओ, ये हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये वाला जो पड़ा है दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसमें दो है, एक लार्ज साइज का है एक स्मॉल साइज का है, काम दोनों का सेम रहेगा दैट इज टू ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद बेटा अगर आप ऊपर की तरफ आ जाओ बिल्कुल टॉप पे, देखो देखो टॉप पे लिखा है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम में साइटो का मतलब होता है सेल, क्योंकि इसकी बॉडी एक ही सेल की बनी है, स्टोम का मतलब होता है माउथ लाइक ओपनिंग, तो इस माउथ लाइक ओपनिंग के थ्रू जो खाना है वो अंदर लिया जाता है अगर ये सेप्रोट्रॉफिक करे, ठीक है, और वो खाना उसके बाद जाता है इस पार्ट में, इस पार्ट को क्या बोला जाता है साइटोफैरिंक्स। साइटोफैरिंक्स के नीचे जो ये वाला पार्ट आपके पास है दिस पार्ट इज नोन एज द रिजर्वायर, ठीक है, और अगर आप साइड पे देखो रिजर्वायर के साइड पे लगा है स्टिग्मा। स्टिग्मा किसको बोला जाता है, आई स्पॉट, आई स्पॉट इट ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा विच इज रेड इन कलर एंड दैट इज सेंसिटिव टू द लाइट। और स्टिग्मा के बिल्कुल ऊपर एक और आपके पास स्ट्रक्चर है विच इज फॉर पैराफ्लैजेलर बॉडी, जो यहाँ पर है अंदर की तरफ, दिस पैराफ्लैजेलर बॉडी इज अगेन सेंसिटिव टू द लाइट। स्टिग्मा की तरह पैराफ्लैजेलर बॉडी भी किसके लिए सेंसिटिव है बेटा, लाइट की। देन व्हेन यू लुक एट द डायग्राम वेरी क्लोजली तो रिजर्वायर के अंदर ये छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फ्लैजेला। ये छोटा फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेलम निकल गया बॉडी से बाहर, सो इट इज बाइफ्लैजेलेट बट हैविंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजेला, सो द कंडीशन इज कॉल्ड हिट्रोकॉन्ट कंडीशन एंड टाइप ऑफ द लोकोमोशन इज कॉमन फ्लैजेलर लोकोमोशन। ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस करना है, कॉपी में बना के देखना है, क्लियर? ये थोड़ा सा और इलैबोरेटेड है बेटा, दोनों में से जो भी आपको इजी लगेगा आप वो अपना कर सकते हो, दिस इज लिटिल मैग्नीफाइड। तो इसमें आपको देखो सारे सेल ऑर्गेनेल्स नजर आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नीचे की तरफ गॉल्जी, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फोटोरिसेप्टर दैट इज पैराफ्लैजेलर बॉडी, देन आई स्पॉट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा। सो इट इज लिटिल मैग्नीफाइड डायग्राम, पार्ट्स आपके सेम ही है इसमें। अच्छा बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखो बेसिकली आप बताते हो या तो उसकी कोई यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटी। अब यूबलिना की कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो नहीं है, यूजफुल भी कुछ खास नहीं है, बट एक इसका यूज माना जाता है कि इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट। देखो कनेक्टिंग लिंक आप किसको बोलते हो, कनेक्टिंग लिंक बेटा उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो लिविंग है और जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूगलिना में प्लांट लाइक कैरेक्टर है, यानी कि प्लांट लाइक कैरेक्टर में उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, सो दीज आर द प्लांट लाइक कैरेक्टर। उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो स्टार्च के जैसा ही है, दिस इज अगेन अ प्लांट लाइक कैरेक्टर। बट वेन यू लुक एट द एनिमल्स लाइक कैरेक्टर, ये लोकोमोट करता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन है, तो कुछ उसमें एनिमल्स लाइक कैरेक्टर है, कुछ उसमें प्लांट्स लाइक कैरेक्टर है, दोनों के मिक्स कैरेक्टर होने की वजह से यूगलिना को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लियर? तो ये तो बेटा आप लोगों ने करना था यूगलिना के बारे में। आपका जो यह पहला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का ग्रुप है वो खत्म हो चुका है, लेकिन दो चीजें भी उसकी पड़ी हैं। जैसे आपने यूगलिना का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा, सेम वे में आपको डाइनोफ्लैजेलेट और क्राइसोफाइटा का भी देखना है, बिकॉज इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में बताते हैं कि सबसे पहले जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है, मतलब दोज डाइनोफ्लैजिलेट्स हु आर हैविंग अ वेरी स्पार्कलिंग रेड कलर, ठीक है। तो उन डाइनोफ्लैजिलेट का जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज द गोनियोलेक्स, क्लियर। तो गोनियोलेक्स में एक चीज बताते हैं कि जो गोनियोलेक्स है बेटा, ये एक फिनोमिना शो करता है, उस फिनोमिना को बोला जाता है रेड टाइड। रेड टाइड का मतलब होता है कि जो समुन्दर की जब लहरें आती है ना, वेव्स आती है, ठीक है, जमीन पे जब उनका पानी ऐसे आगे की तरफ आता है, तो बिकॉज दे कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट एंड दे आर कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग द बाइनरी फिशर, तो उस वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट उनकी बहुत पॉपुलेशन होती है पानी में, और दैट इज वाई जो उनका कलर होगा वो पानी का कलर आपको दिखेगा। सो वॉटर इम्पार्ट द कलर ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट एंड दैट इज वाई द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, रेड टाइड। तो इसका एग्जाम्पल जो आप डाइनोफ्लैजिलेट का मेंबर दोगे, दैट मेंबर इज द गोनियोलेक्स। दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहते हैं जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के कुछ मेंबर्स है बेटा, वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और पर्टिकुलर अगर आप उस टॉक्सिन का नाम देखो, दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड द सैक्सीटॉक्सिन, क्लियर। अब ये इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि ये मैरीन एनिमल्स की डेथ कॉज कर देता है, लेकिन इस टॉक्सिन का शेल फिश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शेल फिश जो है वो मलस्का का मेंबर है, और ये वो है जो पर्ल्स फॉर्मेशन करते हैं, अगर आपको याद हो बेटा। तो शेल फिश के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये टॉक्सिन उसकी बॉडी में एंटर तो हो जाएगा लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज प्रॉपरली कवर्ड बाय द शेल। बट अगर ह्यूमन बीइंग्स शेल फिश को कंज्यूम करते हैं सी फूड की फॉर्म में, तो डेफिनेटली जब वो उसको कंज्यूम करेंगे तो वो पॉइजन ह्यूमंस की बॉडी में रिलीज हो जाएगा। तो ब्लड के थ्रू वो पॉइजन जाता है ह्यूमन के सीएनएस में, और सीएनएस को कंप्लीट डैमेज करेगा, दैट रिजल्ट इन टू पैरालिसिस, and that is known as what, PSP, which is called paralytic shellfish poison, clear। CNS का मतलब होता है central nervous system, जिसमें आपका brain and spinal cord आते हैं, और PSP के ऊपर question जरूर पूछा जाता है, paralytic shellfish poison। इसके अलावा जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं बेटा, उनके पास एक डिफेंस के लिए ऑर्गन होता है जिसको ट्राइकोसिस्ट बोला जाता है, जो स्टिंग करने के लिए यूज होता है, तो ये इसको अपने डिफेंस के लिए यूज करेंगे। मैनी डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के साथ। इनवर्टिब्रेट्स में बेटा जैसे आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो इनके साथ ये क्या बनाते हैं, सिंबायोटिक एसोसिएशन। इसीलिए इन डाइनोफ्लैजिलेट्स को एक टर्म दी जाती है, दैट इज जूज़ेंथिले। तो जूज़ेंथिले किन डाइनोफ्लैजिलेट्स को बोला जाता है, जो सिंबायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के साथ। एंड मेनी डाइनोफ्लैजिलेट दे शो अ फिनोमिना व्हिच इज नोन एज व्हाट, बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ बायो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है टू ग्लो इन द नाइट, टू ग्लो इन द डार्क। तो अंधेरे में चमकना या रात को चमकना इज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, और इसका एग्जांपल आप यहाँ पर दोगे नॉकिंग। सो दीज आर द फाइव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये वाली जो बेटा दो पिक्चर्स आपके पास हैं, बेसिकली ये दोनों पिक्चर्स रेड टाइड फिनोमिना के लिए है। नाउ यू कैन सी, ठीक है, किनारों में देखो जो कलर है स्ट्राइकिंग कलर, ऑरेंज या पिंक या थोड़ा रेड सा कलर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द कलर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स, और इतना स्ट्राइकिंग कलर होते हैं इनके, रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। समटाइम इसी वजह से डाइनोफ्लैजिलेट को रेड एल्गा या फायर एल्गा भी बोला जाता है। फायर एल्गा बहुत कॉमन नेम दिया जाता है उनको, बिकॉज फायरी कलर है इनके बहुत ज्यादा। लास्ट में बेटा इसमें डायटम्स यानी कि जो क्राइसोफाइटा है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद हम डायटम्स की तरफ चलते हैं, क्राइसोफाइटा जो आपका दूसरा ग्रुप है। पहली बात तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनको बेटा चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन बोला जाता है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो ओशियन में फोटोसिंथेसिस होगा, जो खाना बनेगा, उसमें कम से कम 80% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी डन बाय द डायट। So they are called the chief producers of the ocean. Clear? जहां जहां बेटा diatoms deposit होते हैं, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो diatoms हैं, जब उनकी death हो जाती है तो उनका shell खत्म नहीं होता, shell deposit होता रहता है,
और उसकी डेपोजिशन से जो बनता है उसको डाई एटोमाइट या फिर डाई एटोमेशियस अर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो जहां जहां ये डिपॉजिट बनेंगे वहां वहां पर पेट्रोलियम फील्ड्स बहुत कॉमनली मिल सकते हैं, जहां से वी कैन डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोल। फिर जो डाई एटोमाइट है बेटा, जो मतलब इतने बड़े बड़े इनके वो डेपोजिशन बनते हैं समुद्र के किनारे या उसके थोड़ा नीचे, उनको जब तोड़ा जाता है तो वो जो पाउडरी मास की फॉर्म में हम उसको कलेक्ट करें या पत्थरों की फॉर्म में उसको कलेक्ट करें, उसको ना आगे बहुत पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला पर्पस क्या है कि जो डाई एटोमाइट है वो पोरस है, पोरस का मतलब कि उसमें छेद होते हैं, पोर होते हैं छोटे छोटे, एंड केमिकली बेटा ये इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इज इट क्लियर? तो आप बहुत इजीली जो डाई एटोमाइट है उसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो बेटा, उसको आप फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसमें से कोई चीज फिल्टर कर रहे हो तो देखो पहली बात वो पोरस है तो फिल्टर का काम वो आराम से करेगा, दूसरी बात वो केमिकली इनर्ट है तो कुछ भी अगर उसके अंदर से पास आउट हुआ तो उसमें कोई एक तरीके से एडल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई मिक्स नहीं होगी चीज, क्यों? क्योंकि जो डाइएटोमाइट है वो खुद ही इनर्ट है, वो रिएक्टिव ही नहीं है, जो भी चीज आप उसमें से फिल्टर करोगे उसका नेचर उसका कंपोजिशन चेंज ही नहीं होगा, उल्टा वो फिल्टर आउट हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन हम किस किस का कर सकते हैं, शुगर का फिल्ट्रेशन, अल्कोहल का फिल्ट्रेशन, एंटीबायोटिक्स, ऑयल, इन सब के फिल्ट्रेशन के लिए डाइएटोमाइट यूज किए जाते हैं बिकॉज दे आर पोरस एंड दे आर केमिकली इनर्ट। इसके अलावा जो डाइएटोमाइट है बेटा उनको क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है उनकी, तो टूथपेस्ट में मिक्स करके उनको क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, पॉलिश में भी उनको यूज किया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो डाइएटोमाइट है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द साउंड प्रूफ रूम, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए भी यूज होते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने रात के टाइम पे हाईवेज वगैरह में कभी ट्रेवल करा है बेटा तो वहां पे ऑरेंज या रेड कलर की आपको लाइट्स चमकती हुई नजर आती होंगी रास्ते के ऐसे बीच में भी या किनारों में भी, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बहुत बार नोटिस करा होगा, अगर आप स्पेशली रात के टाइम निकलते हो हाईवेज पे तो वो जो लाइट्स होती है ना बेटा, एक्चुअल में वो लाइट्स नहीं होती है, उनके ऊपर पेंट किया जाता है और उस पेंट में स्पेशली डाइएटोमाइट का जो पाउडर है वो मिक्स किया जाता है, इसकी वजह से उनमें ग्लोइंग प्रॉपर्टी आती है, तो इट प्रोड्यूस अ ग्लोइंग प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रात को चमकती हैं, सो इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर लाइट, लेकिन वो प्रॉपर लाइट्स नहीं होती है। तो आप कभी भी अगर आगे कभी हाईवेज वगैरह में ट्रेवल करोगे तो नोटिस जरूर करना, बीच में या किनारों में रात को चमकती हुई बहुत अलग से दिखाई देती है, उनमें पाउडर का मतलब उनमें जो पेंट किया जाता है उसमें डाइएटोमाइट का पाउडर मिक्स होता है बेटा, इसलिए वो थोड़ा ग्लोई रहता है रात के टाइम पे। सो ये सारी इम्पोर्टेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो क्राइसोफाइटा यानी कि डायटम्स एंड डेजमेट्स।